मतदान शुरू हुआ, उसकी तैयारियां, उसका जायजा, और अब जब तीन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो चुका है, वो सील हो चुका है, वो तमाम तस्वीरों पे भी हमारी नजर है। लेकिन राजधानी लखनऊ में क्या हो रहा है ये भी हम आपको चलिए दिखाते हैं और बताएंगे। हमारे सहयोगी शैलेश, लगातार अपडेट आपको सुबह से मिलती रही है, लेकिन अब क्या कंडीशन है? किस्मत का फैसला जब कर चुके हैं मतदाता, तो क्या चल रहा है लखनऊ में? ओवर टू यू शैलेश। जी बिल्कुल, देखिए मतदान खत्म हो चुका है, पोलिंग एजेंट्स बाहर आ गए, यानी जाहिर सी बात है इन्हीं लोग की मौजूदगी में सारे जो बैलेट से उनको सील कराया गया होगा, मतपेटियां जो थी, और यहां से अब उनको कलेक्ट्रेट ले जाया जाएगा। अंदर सारी जो तैयारी थी, बड़ी सुरक्षा बल की मौजूदगी में सारी मतपेटियों को सील किया गया है। आप देख सकते हैं अभी फोर्स मौजूद है, और पोलिंग एजेंट्स जो हैं इनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसी जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है, देखिए इस केंद्र की अगर हम बात करें, जिस बूथ पर हम मौजूद है, नगर निगम का पोलिंग बूथ है, जो VVIPs की अगर हम बात करें, तो ज़्यादातर सभी का यहीं पर पोल था आज। और जैसा बताया जा रहा है, जिस तरह से अगर हम बात करें, तो 153 लोगों का यहां पर वोट पड़ना था, लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स जानकारी दे रहे हैं, लगभग 142 वोट यहां पर पड़ा है। हालांकि जो अधिकारियों की जानकारी आना बाकी है, बात करते हैं कुछ लोगों से। हमारे साथ में सपा और भाजपा दोनों के ही पोलिंग एजेंट हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम, पार्षद मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, ये बताइएगा कि कितना वोट पड़ा आज? 142 153 में 142 वोट पड़ा है टोटल। पिछली बार तो सपा निर्विरोध जीती थी, इस बार क्या लगता है? इस बार भी जीतेगी, संघर्ष करके जीतेगी, भाजपा के। देखिए यहाँ पर लोग मौजूद है, आपका नाम? प्रदीप कुमार शुक्ला। आप बताएं, 142 वोट यहाँ पर? 153 में 142 वोट पड़ा है। 142, ये बताएं क्या लगता है आपकी बार? पिछली बार तो निर्विरोध सपा जीती, इस बार तो मुकाबला था सपा और भाजपा का। आपके सारी जितनी भी सीटें हैं, सारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, इतना भरोसा किस वजह से? कोई वजह होगी? वजह पूरे भारत के अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, लोगों का विश्वास जीता है, वही सबसे बड़ा वजह है। इन्होंने तो अपने भरोसे की वजह बता दी, आप बताएं क्या नाम है आपका? सुहेल साहब, आप वजह बताइए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अखिलेश यादव जी के कार्य उनके प्रमाण है, और हमें पूरा जनता पे विश्वास है, जनप्रतिनिधियों पर विश्वास है, और 12 तारीख को हम लोग जीतने जा रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। देखिए सबके अपने अपने दावे हैं यहाँ पर, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, बहरहाल किस्मत जो थी वो कैद है अब इन मतपेटियों में। 12 तारीख को सामने आएगा कि ऊंट किस करवट बैठा है, 12 तारीख को सामने आएगा कि किसका पलड़ा भारी रहा और कौन लखनऊ उन्नाव के इस निर्वाचन क्षेत्र से बाजी मारने वाला है। हालांकि अगर हम बात करें, देखिए अब तो वोटिंग हो चुकी है, अगर हम बात करें पिछले इतिहास की, तो हमेशा ये देखा जाता है जो सत्ताधारी पक्ष होता है उसका पलड़ा भारी रहता है। आप 2016 में जब चुनाव हुए तब की बात अगर करते हैं, तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो सीटें थी MLC की, जो परिषद की, वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इसी तरह से आप उससे और पीछे अगर जाएंगे, तो जिसकी सरकार के समय चुनाव होते हैं उसकी सरकार को फायदा मिलता है, इसीलिए। और क्योंकि इसमें देखिए जनप्रतिनिधि जो है वो वोटर होते हैं, आम जनता नहीं, जनप्रतिनिधि वोटर होते हैं, पार्षद होते हैं, सांसद, विधायक। तो इस समय अगर लगातार नजर आपने बनाए रखी।